भोजपुरी की नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो पीपल बायोग्राफी, मैं श्याम शर्मा। आज हम आपसे बात करेंगे इस बार होली में किस किस बड़े एक्टरों का धमाल होने वाला है। होली में अगर होली की बात की जाए तो हम बहुत ही बेसब्री से होली का इंतजार करते हैं। पूरे यूपी बिहार में होली बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है और सभी भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार, छोटे सुपरस्टार अपनी अपनी होली की नई नई एल्बम रिलीज करते हैं और बहुत से नए नए लोग सुपरस्टार बन जाते हैं होली में। तो सबसे पहले हम सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर पहली नजर डालते हैं। उनकी दो बेहतरीन गाने, एक गाने का नाम था देवरा हमारा बच्चा बजो, कि काफी लोगों को पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ अगर गाना जाए, इस गाने ने धूम ही मचा दिया पहले ही दिन। इस गाने का नाम है बता रही है होली के बाद, ये गाना बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है। हाल ही में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ अंजना सिंह तिरकते इस गाने पर नजर आए, बहुत ही बेहतरीन गाना है। खेसारी लाल यादव का दो धमाका रिलीज हो चुका है और तीन चार धमाके अभी खेसारी लाल यादव होली तक और भी करने वाले हैं, लेकिन अभी से ही सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने होली की बड़ी तैयारी कर रखी है। अगर सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन एल्बम उनकी आने वाली, जिस एल्बम का नाम है आग लगौली होली में, जो कि काफी बेहतरीन है, बहुत मजेदार है। इस गाने को गा रहे हैं अरविंद अकेला कल्लू जी और साथ दे रहे हैं उनका हनी भी, जो कि काफी बेहतरीन सिंगर है। एक काफी बड़ा धमाका होने वाला है अरविंद अकेला कल्लू को। इस गाने को लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करें, जल्द ही सुपर डुपर हिट गाने को रिलीज किया जाएगा। इस बार कल्लू का भी धमाका बड़ा होने वाला है खेसारी लाल यादव के बाद। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पर रितेश पांडे, जो कि दर्द के बादशाह कहे जाते हैं। उनके गाने लोगों को इतने ज्यादा पसंद आते हैं उसका कोई जवाब नहीं, हर तरफ एक ही नाम गूंजता है, वो है रितेश पांडे। रितेश पांडे को इसलिए लोग चाहते हैं क्योंकि उनके दर्द भरे गाने लोगों का दिल छू जाते हैं, उनके गाने बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो रितेश पांडे इस होली को जबरदस्त धमाका लेकर आ रहे हैं, उस धमाके का नाम है मजनुआ के होली। ये बहुत ही बेहतरीन गाना, इस होली को जबरदस्त रितेश पांडे ने भी तैयारी कर रखी है, जबरदस्त तरीके से धूम मचाने के लिए रितेश पांडे ने भी बड़ा कदम उठाया इस होली में। उसके बाद हम बात करते हैं अभिनेता पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह की अगर बात करें तो पवन सिंह बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाते हैं, वहीं होली के भी बादशाह कहे जाते हैं। पिछले बार सत्या ने धूम मचा दिया था होली में, एक जबरदस्त गाना बनाया गया था जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। इस बार होली की अभी पवन सिंह की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन जल्द ही पवन सिंह टाइम निकाल कर फिल्मों का जबरदस्त एल्बम शूट करेंगे होली का, और सुपरस्टार पवन सिंह के साथ अक्षय सिंह भी होली में धूम मचा दिए नजर आएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, सबसे बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार। इनकी जोड़ी को लोग सलाम करते हैं, सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अमरपाली की जोड़ी। इन दोनों की जोड़ी का नाम अगर फिल्म में आ जाता तो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती, तो होली का गाना इनका क्यों नहीं सुपर डुपर हिट होगा। आपको बता दें चले, हाल ही में सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की पिछले साल की एल्बम काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई, और इस बार भी होली को धूम मचाने वाले हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। लेकिन फिलहाल दिनेश लाल यादव निरहुआ ने होली की कोई अनाउंसमेंट नहीं की है कि कोई उनकी होली की एल्बम आने वाली, लेकिन वो जल्द ही होली की तैयारी में लगेंगे और धूम मचा देंगे इस बार भी। अगर आप लोग भोजपुरी की ताजा खबरें पढ़ना चाहते हैं, तुरंत ही हमारी वेबसाइट पर जाएं, गूगल पर जाकर लिखे www.peoplebiographyBhojpuri.com, सभी जानकारी पाएं बिल्कुल फ्री में इस वेबसाइट पर।